तो किया क्या है? अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट के अंदर 3 बड़े टोटल लगाए हैं, वो हाईएस्ट टोटल। अगर बात करें इस टूर्नामेंट की तो सबसे मैक्सिमम रन अफ्रीका ने किए 428, सेकंड हाईएस्ट भी अफ्रीका का है 399 और थर्ड हाईएस्ट भी अफ्रीका का है 382। साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा खतरनाक टीम बन चुकी हुई है। अगर आप इनकी बल्लेबाजी को देखें, इनसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी मैंने अभी तक नहीं देखी। कितनी डोमिनेटिंग बल्लेबाजी है, कितनी खतरनाक बल्लेबाजी है। क्विंटन डी कॉक तीसरा सो इस वर्ल्ड कप का, इसको कहते हैं ओपनर, इसको कहते हैं बल्लेबाजी करना। आज तो बड़ा सो मारा, 174 रन करके गया। क्लोसन भाई ये क्या बंदा है, ये एंड के ऊपर आता होता है 20 ओवर ये बल्लेबाजी करता है और सेंचुरी मार जाता होता है। आज भी 90 कर लिया, सेंचुरी हो जानी थी उसकी, लेकिन आखिरी ओवर में आउट हो गया क्लोसन, वरना उसने मार देना था, सेंचुरी आ जानी थी। 382 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। अब मुझे साउथ अफ्रीका की बैटिंग इंडिया से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया की बैटिंग खतरनाक है हम सब मानते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है ये ज्यादा खतरनाक है। इतनी खतरनाक बैटिंग है कि आप देखें कि ये कितने खतरनाक हिटिंग करते हैं। लास्ट 10 ओवर्स के अंदर, लास्ट 60 बॉल्स के ऊपर 144 इन्होंने मारा, कि पहली दफा नहीं मारा। जब इन्होंने 350 प्लस किया, इन्होंने ऐसी रन किए हैं, 12 छक्के आखिरी 10 ओवर के अंदर मारे हैं और हम पूरे मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 छक्के मारते हैं। मैं बात करूं तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि बांग्लादेश वाले तो दुखी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा आज पाकिस्तान वाले भी दुखी होंगे कि हमने अगला मैच इनसे खेलना है। वो जो पाकिस्तान का एक आउटसाइड चांस है, वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की टीम से, साफ सी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तस्वीर बाबर आजम की लगा दी, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से लगाई है कि ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, कि तस्वीरें उतार देनी चाहिए। इस वजह से रिस्पेक्ट की वजह से मैंने वापस तस्वीर को रखा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे डिसरिस्पेक्ट होती है। अगर मैं ऐसे विराट कोहली की तस्वीर उतार दूं तो कितना बुरा लगेगा ना, कि ऐसे तस्वीर नहीं उतारनी चाहिए थी। तो वो कल भी हमने उतार दी थी, उसके लिए अपोलोजाइज मैं कर लेता हूं बाबर आजम से कि नहीं, वो हमें नहीं करना चाहिए, तस्वीर नहीं उतारनी चाहिए थी, तस्वीर लगी हुई है। लेकिन हाँ, दुख भरा हुआ है और साफ सी बात है, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले मैच जीतेगा भी, मुझे नहीं लगता। लेकिन जो हाल नजर आ रहा है, जिस तरह से अफ्रीका बल्लेबाजी कर रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के बॉलर्स का भी भरता बनने वाला है। हमारे बॉलर्स अफगानिस्तान के खिलाफ अगर आप देखें, इनसे अफगानिस्तान के आउट नहीं हुए, सिर्फ 2 आउट के नुकसान पर अफगानिस्तान ने चेस कर लिया। हमारे बॉलर्स का ये हाल है, तो अफ्रीका क्या हमारा हाल करेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं, मैं क्या थक गया हूं कि अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा खतरनाक टीम है। अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना है तो चेस करो तभी अफ्रीका के खिलाफ आप मैच जीत सकते हो। पहले बल्लेबाजी करके आप अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं जीत सकते। लेकिन हर कोई जिसको कहते हैं ना अफ्रीका के खिलाफ, अगर आप देखें तो चेज ही उनको करना पड़ रहा है। अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करवानी पड़ी और अफ्रीका क्या हाल कर रहा है सबके सामने है, किस तरह से अफ्रीका डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा बहरहाल मैच साउथ अफ्रीका का भी चल रहा है, लेकिन कल जो सानिया हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट पे गुजरी उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि वर्ल्ड कप से पहले ऐलान किया था हमने अपने इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर, कि क्विंटन डी कॉक इस टूर्नामेंट में भरपूर रन बनाएंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस मैच था, वार्म अप गेम, उसमें भी वो कोई मुश्किल शॉट नहीं मार रहे थे, यानी कोशिश कर रहे थे कि वो फॉर्म लेकर अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने, शायद वो ऐलान कर चुके हैं कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो 3 सेंचुरियां और आज का 174 है, और 2 इससे जरा सी छोटी सेंचुरियां, लेकिन मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ट्रिकी विकेट पर क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी थी असल वजह, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जैसी धमाकेदार टीम को वन साइडेड मैच हराया, और बाद में बॉलर्स ने भी पहले 15-20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया। अच्छा एक नई बात बताता हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं 2-3 दिन से ड्यू का रोना बड़ा हो रहा है, लेकिन एट टाइम्स चेजिंग साइड्स को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें, जहां ड्यू आता है वहां से हमारी विकेटें गिरना शुरू हो गई, स्किट करना, यानी देखे ड्यू आए या ना आए, थोड़ा सा जो है ना वो विकेट पे गिलाहट जरूर हो जाती है, बॉल तेज जरूर जाता है, ये जरूर होता है, नमी आ जाती है तो बॉल स्किट करना शुरू हो जाता है लेट नाइट यानी 25-30 जैंपा का बिना ड्यू में बॉलिंग सीख कर आया है तू है। जैंपा तू हमारे साथ ड्रामे करता है तू है। हाँ यही करता है, ड्यू में बॉलिंग सीख कर आया है। क्लासन आज शायद 50 बॉले 51 बॉलों पे 100 मारने के लिए तैयार थे, लेकिन बस वो बड़ी चलाक बॉल कर दी हसन महमूद ने और बहुत ऑफ स्टंप पे। कमाल पता है क्या, आप समझे नहीं, देखे कुछ चीजें कमाल की होती हैं। जैसे अभी एक वीडियो 7 अक्टूबर की भेजी, जिसका वासे जिक्र कर रहा था कि यार क्विंटन डी कॉक कुछ नया मंजन लेकर आएंगे। हाँ। अच्छा वो प्रूफ भी होना होता है ना यार, एक चीज होती है कि कैलकुलेटिव चीजें आप बता देते हैं। हाँ। खिलाड़ी की फॉर्म देख के, चलने फिरने का अंदाज, विकेट पे खड़े होने का अंदाज, पिटी के बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें उसमें 12 के 12 इंग्रेडिएंट शामिल होंगे तो खिलाड़ी होगा, तो उसके ऊपर आदमी बोल देता है। मगर आज अगर आप क्लासन की इनिंग को देखें, चलो एक दफा दो दफा ये जब खड़ा होता है, मुंबई है ना, नहीं नहीं मुंबई का अभी जो इन्होंने मारे 3 ओडीआई वहां पे ऑस्ट्रेलिया को आखिरी, वो भी ऐसे ही हर ग्राउंड में कर रहा है, मुंबई नहीं था ना यार, चेन्नई में कर लेगा ये, नहीं नहीं वो तो
ये तो कहीं नहीं लिखा ना वहां से यार, मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ी मुश्किल बैटिंग है चेन्नई। नहीं, मसला ये है कि वो अपने जोन की किसी बॉल पे सिंगल नहीं ले रहा, वो छक्का। आप समझ रहे हैं, असल में बात क्या होती है, बात ये होती है कि मैं डरावा नहीं हूँ, मेरे जोन में देगा साले छक्का खाएगा तू, ठीक है, मैं सिंगल नहीं लूंगा, भले कप्तान ने मुझे कितना भी पढ़ा के लिखा के जाके भेजाओ के सिंगल डबल करो विकेट नहीं देनी है, मगर मेरे जोन में बॉल आएगी साले मैं फेंक दूंगा उठा के। जब जब उसको पहली दूसरी बॉल भी पड़ी तो उसने उठा के फेंक दी। 196/3 जी, ये है 35 ओवर का अहवाल। उसके बाद आप बस आंखों पे हाथ रख लिया। वो जो कुछ लोग मुझे लिख रहे थे आप ढीका झाला सावालों पे सारन रिजवान की तरह खेल रहे, मैंने उनको कहा भैया अगर 10 मिनट और देख सकते हो ना टीवी पे, वो पता नहीं निकलते मुंह, ये आपको आपको साले पता नहीं कहां मुंह देके लेटे हुए होते हैं, ये देखते हैं कि यार रफीक ने क्या लिख दिया इसके ऊपर आके जो है ना, कुछ लिखा था आपने सुबह सुबह कुछ नहीं, नहीं अभी मैंने तो लिखा था बाउंस बैक। डिबेट पे आदमी समझ में आता है कि डायलॉग्स पे आदमी आ रहा है, चुतिया पे की बातें लेकर मुंह, अबे तुम कहां किस ब्लॉक करे, किसने बजा के रखी हुई है तुम्हारी ऐसी कि जब तुम्हारी बच जाती है तो छुप जाते हो, ठीक है, और जब किसी का भाई भनोई बाप खेल रहा होता है तो तुम निकल आते हो, तुम निकल के नहीं, अभी भी लोग अभी भी लोग चक्कर में बता रहा बुराई नजर आ रही थी साले, नहीं लोग अभी भी चक्कर में कि चिनाई में कोई मुआवजा हो तो वो फिर आए, मैं बता दूं लोगों ने, मैंने अभी क्या कहा ऊपर से गिर जाए, हमने कुछ नहीं करना, ना हमारी टांगों में दम पहले भी था ना हाथों में दम पहले भी था हमारे, बट व्हाट अ वंडरफुल नॉक बाय क्विंटन डिकॉक, 174 रन बॉलों से कमाए, और हेनरिक क्लासन तो खेलता ही इस तरह से है, उसका खेल ही यही है, वो आउट होकर चला जाएगा, वो 75-80 पे 100 करेगा, लेकिन इससे ज्यादा बॉलें वो इन दोनों ले नहीं रहा, क्योंकि वन डायमेंशनल नहीं है भाई, रेंज अच्छी है, एक बॉल को दो तरफ मारता है, जब जब वो विकेट पे खड़ा होता है तो इसका मतलब वो बम बन जाएगा दूसरी टीमों के लिए, और दुनिया की कोई भी बाउंड्री मुझे उसकी स्ट्राइकिंग के सामने छोटी नहीं लगती, लेकिन एक बात है कि मुंबई उसको ज्यादा सूट कर गया, पूरे साउथ अफ्रीका को सूट कर गया। आपको याद होगा मैंने मुंबई के मैच से पहले ही कहा था हाई स्कोरिंग अफेयर होगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, उसमें सिर्फ एक फर्क आया मेरी बात में कि इंग्लैंड जब अंडर लाइट बैटिंग करने आई तो बॉल ने स्विंग होना एयर में शुरू कर दिया और इंग्लैंड का काम उतर गया, बाद में विकेट और अच्छी हो गई, स्विंग बंद हुआ, उसके बाद देखे मार्क वुड ने कितनी पिटाई की आखिर। वो लोग जो है जो अक्सर मैंने कहते सुना है कि यार बैट लगी होती है कि दो आउट होते हैं तीन आउट होते हैं अर्ली विकेट चली जाती है, ये तीसरा इंस्टेंस है साउथ अफ्रीका की बैटिंग में, आज जब मार्ग्राम आया 44 पे 2 थे, इनको कोई मसला है ये क्या मतलब किसी और के लिए खेल रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहा था बांग्लादेश शुरू में, ये क्रिकेट के अलावा बॉल कर रहे हैं, 10-12 ओवर जाके देख लो, अबे बल्कि 20 ओवर देख लो, 100 रन थे, कैसा बोल्ड मारा है रीजा हेंड्रिक्स को यार, 100 रन थे यार साउथ अफ्रीका के 20 ओवर में, बिल्कुल, और 30 ओवर में 150 थे, तो ये कैसे मार गए समझे नहीं, ये अब ये लोग कह रहे हैं यार ये कैसे मार लेते हैं, नहीं मारने की भी तो प्रैक्टिस किसी की तो मार रहे होंगे ना, जब तो इतना मारते हैं, इसमें छक्कों की प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइवों की नहीं करते, कवर ड्राइव नहीं मारते वो, तो यार क्रिकेट है तो ही मार रहे हैं, बांग्लादेश को हल्की टीम है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई ठा के ना मारी नीचे, ऑस्ट्रेलिया की हल्की टीम थी नहीं, मतलब अभी तक ये सिवाय नेदरलैंड ये सबसे हल्की टीम से हार चुके हैं, वो तो घर में घर की बात है इनके, उन्होंने दे उस टीम से भी ये लड़ेंगे जो ये कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ेंगे ये बात तो है, ये लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान ने कल जो सानिया हमारे साथ हुआ है हमारी क्रिकेट में, मैच हार जाते हैं मैच हार जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से हम हारे 8 विकेटों की शिकस्त हुई, 4 विकेटों की हो जाती, फंस जाता, लास्ट बॉल तक चला जाता, उस खेल में हम थे ही नहीं, हम 125 रन और 130 रन के बाद जब अगले 30 रन बने दूसरी विकेट पे तभी समझ आ गया था कि आज कुछ नहीं होगा, वरना बल्क में 2-3 विकेटें आ जाती, नए आने वाले बल्लेबाज इसका नाम है, रन्स को डिफेंड करता है बॉलर, हमेशा रन्स को डिफेंड करता है।